राजस्थान का बाड़मेर जिला, जिसे अक्सर सूखा और अकाल के लिए जाना जाता है, इन दिनों मानसून की मेहरबानी से गुलजार हो गया है। पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने यहां के नज़ारों को एकदम बदल दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे इस जिले में अचानक से झरनों की बहार आ गई है और लोग पिकनिक स्पॉट्स का मजा ले रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, बाड़मेर के जसाई, बाड़मेर शहर, चौटन, गोमरख धाम, रडवा, चौटन और बालेरा जैसे इलाकों में बारिश के बाद झरने बहने लगे हैं। यह दृश्य न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। लोग इन झरनों का आनंद लेने के साथ साथ सावन के महीने में गोट का आयोजन भी कर रहे हैं। बाड़मेर में मानसून ने इस बार काफी देर से दस्तक दी, लेकिन जब आई तो जमकर आई। मानसूनी बारिश ने बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके चलते जगह जगह पहाड़ों से झरने बह रहे हैं। इन दो दिनों में बाड़मेर के आधा दर्जन इलाके पिकनिक स्पॉट बन गए हैं और लोग यहां जमकर मस्ती कर रहे हैं। अच्छी बरसात के बाद किसानों ने भी अपने खेत जोत लिए हैं और इस बार अच्छी फसल की उम्मीदें जगा ली हैं। सावन के महीने में बारिश ने न सिर्फ फसलों के लिए वरदान साबित किया है, बल्कि लोगों के दिलों में भी उम्मीद की नई किरण जगा दी है। मौसम विभाग ने रविवार को भी बाड़मेर और बालोतरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें 100 मिमी तक बारिश दर्ज की जा सकती है। इस भारी बारिश के चलते बाड़मेर शहर और उसके आसपास के इलाके पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए हैं और लोग यहां झरनों का लुत्फ उठा रहे हैं। भारी बारिश के चलते जलभराव और सड़कों पर फिसलन का खतरा बढ़ गया है, इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। जलभराव वाले क्षेत्रों में वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।